देखिए सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट में गड़बड़ी पाई गई है। फर्जी लैब टेस्ट आंकड़ों में दिखाए जाने का आरोप है कि बिना लैब टेस्ट हुए ही प्राइवेट कंपनियों को भुगतान भी किया गया। तो देखिए ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली के एलजी की तरफ से और ये मामला अब है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा हुआ। लैब टेस्ट में गड़बड़ी पाई गई है ये आरोप लगाए गए हैं। और ज्यादा अपडेट्स के साथ इस वक्त सीधे हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, अभी एक मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और ये दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई है। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं एलजी की तरफ से। क्या है ये पूरा मामला? देखिए सीधे तौर पर ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसी से जुड़ा एक मामला है। लगातार एलजी एक के बाद एक कई सारी सीबीआई इंक्वायरी केजरीवाल सरकार की खिलाफ जो है वो देने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें इससे जुड़ा एक मामला ये है कि दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक वाला कॉन्सेप्ट है जिसे दिल्ली सरकार ने शुरू किया था उसको लेकर एलजी ऑफिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें कई सारे फर्जी टेस्ट कराए गए, कई सारे घोस्ट पेशेंट बनाए गए, यानी कि जो पेशेंट थे ही नहीं ऐसे पेशेंट क्रिएट किए गए, उनके टेस्ट कराए गए, कुछ टेस्ट प्राइवेट लैब्स में भेजे गए, मोहल्ला क्लिनिक से रिकमेंड करके प्राइवेट टेस्ट में कराए गए ताकि प्राइवेट लैब्स को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला नज़र आ रहा है। यही वजह है कि एलजी ने ये कहा है कि इसको सीधा सीबीआई की इंक्वायरी के लिए वो रिकमेंड कर रहे हैं, इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे पहले भी वो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं को लेकर भी सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे चुके हैं। तो अब सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ा कॉन्सेप्ट था, महत्वाकांक्षी योजना जिसे कह सकते हैं केजरीवाल सरकार की जो चल रही थी, पंजाब में भी चल रही है, दोनों को लेकर सवाल उठाए हैं। एलजी ने ये भी कहा है कि पंजाब में भी जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं वहाँ पर भी शायद इसी तरीके से प्राइवेट लैब्स को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा हो, वहाँ पर भी करोड़ों रुपये का घोटाला किया जा रहा हो, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है मोहल्ला क्लिनिक के सहारे। लेकिन दीपक, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से इन जांच के पीछे टाइमिंग को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि ये जो टाइमिंग है जिस पर ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की बात वो कह रहे हैं और अब ये सीबीआई जांच की बात अगर सामने आती है तो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले इस तरीके के एक्शन क्यों। अब जाहिर तौर पर इस मुद्दे को लेकर भी टाइमिंग पर सवाल उठाए जाएंगे। दीपक जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उसी तरीके से इस तरह की कार्रवाई हो रही है, चाहे वो ईडी का समन हो, चाहे उनके नेताओं की गिरफ्तारी हो, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी की बात हो, तो लगातार ये बात कही जा रही है। हालांकि जो अभी ये खबर आई है ये एलजी ऑफिस की तरफ से आई है, इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उसको पहले जाँच देख रहे हैं कि मामला क्या है, क्या पूरा मामला सीबीआई को भेजा गया है, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सीधे तौर पर एक के बाद एक कई सारी जाँच जो चल रही हैं या जाँच के लिए भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक के खिलाफ जो विरोधाभास नजर आता है एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच वो एक तरीके से आप देखें तो चरम पर है। बिल्कुल दीपक, आपका बहुत धन्यवाद अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, एक के बाद एक जांच के आदेश अब दिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ।